ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 30 अक्टूबर की ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि अंधकार से हम रोशनी की तरफ जाएं। ये अंधकार क्या है? इंसान कहते हैं कि ज्ञान से अंधकार हटता है, लेकिन कौन सा ज्ञान? आप गणित सीख लें या भूगोल शास्त्र सीख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री सीख लें, आप इन चीज़ों से आप पेट पूजा कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं और भौतिक चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं, भौतिकता में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया है जो कि आध्यात्मिक दुनिया है, आत्मा की दुनिया है, रूह की दुनिया है, मन की दुनिया है, बुद्धि की दुनिया है, संस्कारों की दुनिया है, जो कि डिसाइड करती कि हमारे जीवन में प्रेम है कि सुख है कि शांति है कि खुशी है, जो कि आपके भौतिक ज्ञान से नहीं मिल सकती। या साइंस भी प्रूफ कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया चेंज करके पूरी दुनिया में, लेकिन रियलाइज ये हो रहा है कि अगर हम लोभ को ख़त्म कर दें, अहंकार को ख़त्म कर दें, ईर्ष्या को ख़त्म कर दें, तो आज सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो परमपिता परमात्मा उसी ज्ञान को प्रकाश कहते हैं जो कि हमें इन वायरसेस के द्वारा मुक्ति दिलवाए, इन वायरसेस को निकाल करके मुक्ति दिलवाए। तो देखें आज के वरदान में परमात्मा ने कहा क्या है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भवा। परमात्मा पिता अल्लाह जी होवा, जो भी आप कहें उनको, गॉड फादर कहें, वो हो गए ज्ञान के सूर्य और हम उनकी रचना मास्टर ज्ञान सूर्य हो गए। तो परमात्मा कहते हैं, अनंत ऊर्जा कहते हैं, उनकी अनंत ज्ञान की शक्ति कहती है कि मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। परमात्मा कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूं, मैं अगर चाहूं तो एक संकल्प से सारी दुनिया को परिवर्तन करूं, लेकिन मुझे तुम्हारे द्वारा ही सारी दुनिया परिवर्तन करनी है, क्योंकि तुम्हें मुझे पवित्र बनाना है। पहले तुम पवित्र बनोगे तब जाके तुम पूरी दुनिया को पवित्र बनाओगे और उस कर्म का फल तुम ही फिर भोगोगे, चाहे वो स्वर्ग जाने वाला हो चाहे वो नर्क जाने वाला हो। तो परमात्मा कहते हैं वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। माइट मतलब ज्ञान को शक्ति कहा जाता है। तो ज्ञान है तो शक्ति, लेकिन कौन सा ज्ञान? हमने जैसे कहा आध्यात्मिक ज्ञान से शक्ति आती है, ताकि हम उस आध्यात्मिक ज्ञान से अपने मन में आने वाले पवित्र विचारों को बचा कर रखें, उनको अपवित्र या उनको वायरस से इन्फेक्ट ना होने दें। अभी वायरस क्या होंगे? अपवित्र संकल्प, जैसे लोभ हो गया, अहंकार हो गया, ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, नफरत हो गई, कामवासना हो गई, ये सब क्या हैं? वायरसेस हैं। आलस्य हो गया, अलबेलापन हो गया, ये सारे वायरसेस हैं जो कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों से अगर आप मुक्त हो जाएं तो आप प्रकाश बन जाएंगे, आप दुनिया में प्रकाश फैलाने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं। तो अगर आपके जीवन में दुख नहीं है सुख है, अशांति नहीं तो शांति है, क्रोध नहीं है तो प्रेम है आपके पास में, और अपवित्रता नहीं है, घृणा नफरत नहीं है, तो आपके पास में सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना जो कि पवित्र संकल्प है। आपके पास में किसी से ईर्ष्या नहीं है तो आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप आत्मविश्वास में रहते हैं, आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हो गई माइट, तो देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते जब तक हमारे पास में ये शक्ति ना हो कि हम क्रोध के ऊपर जीत पाले, अहंकार के ऊपर जीत पाले, ईर्ष्या के ऊपर जीत पाले जो कि हमें दुख देते हैं, घृणा के ऊपर जीत पाले जो कि हमें ही हमारे ही मन को मैला करके हमें ही अशांत बनाते हैं। जब तक हम इनके ऊपर जीत ना पा लें तब तक हम स्वयं अपने लिए रोशनी नहीं है, तो औरों के लिए क्या बनेंगे? ये कहने का मतलब परमात्मा का, जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। विकार क्या हो गए? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ये हो गए विकार।
इसमें रौब झाड़ना भी आ जाता है जो कि क्रोध का अंश होता है, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं जो कि हमने पिछले वरदानों में सीखा है। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम अपने अंदर से या तो निकाल सकते हैं या तो एक ही बार में निकाल सकते हैं, और वो विद्या हमें मिलती है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जो कि आपके ही सिटी में कहीं ना कहीं है। और अगर आप वहाँ पर जाके सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा पहले समझ लें इस ज्ञान को क्या है एग्जैक्टली मिलने वाला आपको, तो आप हमारे वीकेंड सेशंस पे जो कि 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक शाम को होता है उसमें आ सकते हैं। उसकी डिटेल्स आप मुझसे मांग सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये सुन रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे मैसेज करें पर्सनल मैसेज, और मुझसे आप पूछ सकते हैं कि ये सेशन कब होगा। इसी के साथ ओम शांति।